Dawn Express. I'm now Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आप सबको हार्दिक शुभकामना है। आशा है आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। मिसाइल मैन पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर हमारे डॉन एक्सप्रेस की तरफ से परम श्रद्धांजलि। रामेश्वरम में जन्म मिसाइल मैन के नाम से मशहूर व भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का निधन 27 जुलाई 2015 को हुआ था। दरअसल 27 जुलाई वो शिलांग में थे जहां बच्चों को लेक्चर देते हुए उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और वो जमीन पर गिर गए। उसके बाद उन्हें शिलांग की मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत और खराब होने की वजह से उनको ICU में रखा गया, लेकिन उनकी तबीयत में कई सुधार नहीं दिखने को मिला। फिर भारत रत्न में सम्मानित कलाम साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद 28 जुलाई उनके साहब को गुवाहाटी से दिल्ली लाया गया, दर्शन कराया गया। एक शोक सभा में देश के आम व खास लोगों ने शिरकत की। फिर वहां से उनका शव उनके गांव रामेश्वरम लाया गया। वहां 30 जुलाई को उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। भारत में बैलिस्टिक मिसाइल के विकास के लिए दिए गए अपने महान योगदान के कारण वो हमेशा के लिए भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने जाएंगे। 1998 के सफल पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने 1954 के तिरुचिरापल्ली की सेंट जोसेफ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन और 1960 में चेन्नई की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की याद में एक ऑनलाइन कार्यक्रम मिशन कलम किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन लॉस एंजेलिस स्थित पिंक यागुआर एंटरटेनमेंट द्वारा किया जाएगा, जिसके बैनर तले पूर्व राष्ट्रपति के जीवन पर आधारित फिल्म APJ अब्दुल कलाम वो मिसाइल मैन का निर्माण किया जा रहा है। 25 जुलाई से शुरू हो रहे समारोह में 11 हफ्तांत के लिए 11 ऑनलाइन सत्र आयोजित किए जाएंगे। 25 जुलाई 2002 को कलाम ने भारत की 11वें राष्ट्रपति के तौर शपथ ली थी। कार्यक्रम 15 अक्टूबर को कलाम की 89वीं जयंती तक चलेगा। पिंक जगवर एंटरटेनमेंट की प्रबंध निर्देशक सुवर्णा पप्पू ने जूम सत्र के दौरान कहा, इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र से हस्तियां डॉक्टर कलाम को लेकर अपने अनुभव साझा करेंगे, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। समारोह के उद्घाटन सत्र में ADA वैज्ञानिक तथा कलाम के तकनीकी सलाहकार रहे भी पुनराज नेहरू युवा केंद्र संगठन के पूर्व अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य शेखर राव पिराला, IRS तथा हैदराबाद जोन के CGST के मुख्य आयुक्त BS राव, भाजपा प्रवक्ता साइना NC, कलाम की जीवनी पर आधारित फिल्म के निर्देशक लेखक जगदीश दतेनी और फिल्म के कलाम भूमिका निभाने वाले अभिनेता मोहम्मद अली शिरकत करेंगे। तो ये थे 27 जुलाई के दिन भारतीय इतिहास में घटी कुछ गमगीन तो कुछ मीठे यादगार पल। APJ अब्दुल कलाम जनसाधारण में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के रूप में जाने जाते हैं। वो भारतीय लोगों के दिल में जनता के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। वास्तव में वो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। साभार, डेली हंट, डेली ओम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस।